देखिए, मैं एक खड़गे साहब को जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, और मैं एक एक कांग्रेस के वर्कर को ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा विरोध जितना मर्जी करो, आप बहुत खुशी से करो अगर आपकी कोई बात बनती है इससे, अगर गांधी फैमिली खुश होती है आपसे तो मैं भी खुश होऊंगा इसमें। पर मेरी बात एक, मैंने ये जो बात कही खड़गे साहब, आपकी जैसे एक कहावत होती है ना, आपका मौन देख के ये मैंने बात कही। क्यों? क्योंकि जब राहुल गांधी जी ने कोई बात कही सिखों के अगेंस्ट, तो उसे एंडोर्स किया, उसे जो सबसे बड़ा देश का दुश्मन है पन्नू, जो वहां पे रेफरेंडम करा रहा है खालिस्तान के लिए, उस आदमी ने राहुल गांधी के हक में बयान दिया। मेरी तकलीफ, मेरी पीड़ा ये है, आप मीडिया पे एक चीज को लेके घुमा के बता रहे हैं, पर असली चीज खड़गे साहब, जो राहुल गांधी ने बात कही सिखों के बारे में, वो पगड़ी नहीं बांध सकते देश में, कड़ा नहीं डाल सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते, उस बात को एंडोर्स किसने किया, उस बात की शाबाश किसने दी, जो सबसे खतरनाक टेररिस्ट पन्नू ने राहुल गांधी की सपोर्ट की। मैं दो दिन पर वेट करता रहा भी कहीं कोई कांग्रेस और कांग्रेस के खास तौर प्रेसिडेंट इस बात को, इस बात का खंडन करेंगे, इस बात को जो पन्नू ने राहुल गांधी जी का नाम लेके उसे सपोर्ट दी है, उस बात को क्लैरिटी करेंगे भी हम पन्नू के साथ नहीं है, जो पन्नू ने ये कहा है राहुल गांधी जी का नाम लेके उसे, उसके हम साथ नहीं है। जब आपने ये बात नहीं कही तो फिर मैंने ये बात कही, ये स्पष्ट होता है खड़गे साहब और आपकी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के हर लीडर जो आज बात कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर सपोर्टिंग मिस्टर पन्नू, पन्नू के साथ खड़े हैं, ये स्पष्ट हो गया जब आपने नहीं बोला। अच्छा होता आप मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखने के बजाय राहुल गांधी को, जो पन्नू ने सपोर्ट किया है, देश को तबाह करने ने सपोर्ट किया है, उसके बारे में आप खंडन करते, उसकी बात कहते। देखो खड़गे साहब, टेररिस्ट किसको कहा जाता है? जो टेररिस्ट की बात एंडोर्स करे, जो टेररिज्म को प्रमोट करे। अब जब पन्नू और राहुल गांधी, मेरा मतलब टेररिस्ट कहने का ये है भी, जब पन्नू और राहुल गांधी एक दूसरे की बात, एक दूसरे को एंडोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे की वाह वाह कर रहे हैं, तो और क्या होगा जी? और उसे कहा क्या कहा जाएगा ये बताओ भी, राहुल जी पन्नू वाली बात बोल रहे हैं, पन्नू जी राहुल वाली बात बोल रहे हैं, तो इसमें फर्क कहां रह जाता है? खड़गे साहब, ये बात पे आप अपनी स्थिति और कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे।